पॉट में। आप लोग किसान है सर, हम लोग को नहीं माल मिलेगा, किसको मिलेगा सर? ये फर्जी उसी बना करके और इसको दे रहा है, आप नहीं समझे बीओ साहब कहानी सर? वो तो किसान को लेना है, वो तो हम आएंगे खरीदेंगे, हम अपना आधार देंगे ले जाएंगे, कि 10 का आधार कार्ड लेकर के हम आएंगे लेने के लिए? हम लोग किसान को दिया जाए सर, व्यापारी सब उन लोगों को पकड़ना चाहिए, और यहाँ छोटा मोटा को खाली पकड़ते हैं। और क्या दवाई दुकान के बारे में क्या बता रहे? दवाई तो यहाँ का जो है 70% रखिए कि कुछ न कुछ इधर उधर करिए देता है, दाम सही मिल मिल कर दाम उनको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है जयसुद्दीन, घर मुसाब। निरीक्षण किया गया खाद दुकान में, सर क्या पाया गया? देखिए ये शिकायत मिल रही थी कि खास करके DAP की कालाबाजारी की जा रही है, इसी आलोक में जिला पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ हम लोगों ने विजिट किया, जिसमें कुछ दुकानों ये स्पष्टित हुआ कि जिसकी जांच प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा की गई, जिसमें ये पता चला कि कुछ दुकानों के द्वारा कालाबाजारी की जा रही है, लोगों को बिना मतलब प्रोसेस जो है पॉस मशीन के इंटर किए ही खाद की जा रही है, जिससे कि कालाबाजारी की पूरी तरह से संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसकी विस्तृत जांच करने के लिए उन दुकानदारों को चिन्हित करके FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह की जांच जो है जो शिकायत मिल रही है ये कंटिन्यू जो है चलेगी। जो खास करके जो बड़े बड़े होलसेलर हैं और जो बड़े बड़े गोदाम में जिनके द्वारा खाद मंगवाया जाता है, उनके गोदामों पर भी औचक निरीक्षण किया जाएगा, और अगर वो उस तरह के लोगों पर भी जो है कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर खाद दुकानदार जो छोटे तबके के खाद दुकानदार हैं वो भी सरकार से लाइसेंस लिए हुए हैं, लेकिन उनको DAP या जो भी खाद है पोटास हो या जो भी है NPK वगैरह वो अवेलेबल नहीं है, और बड़े बड़े के पास है तो वो एक शर्त रख देते हैं कि ये इतना DAP देंगे इतना ये देंगे, उसके साथ आपको जिंक लेना होगा ये। तो सर ये छोटे दुकानदार को फिर सरकार ने लाइसेंस क्यों दिया? ये ऐसा नहीं है, देखिए जो सारे दुकानदार को जो बड़े दुकानदार हैं जिसको विभाग के द्वारा लाइसेंस दिया गया, तो उनके भी गोदामों की जांच की जा रही है और वहाँ भी ऐसे रेड किए जाएंगे, और उनके पास ये पाया जाता है कि वो रखे हुए हैं गोदामों में खाद और उसकी जो है कालाबाजारी कर रहे हैं, स्कारसिटी पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर कुल कितने दुकानदार दुकान में छापा? लगभग आज हम लोग 4-5 दुकान को विजिट किए हैं, जिसमें से दो दुकान में कुछ एबिलिटी प्राप्त हुई है, जिसकी जांच प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा विस्तार पूर्वक की। सर कितना DAP जब्त किया गया आपके द्वारा? ये मेरे द्वारा नहीं जब्त किया गया है, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा 67 और 25 लगभग 100 बोरा के लगभग DAP विभिन्न दुकानों में जब्त किया।